कबीर साहब ने छुआछूत मिटाई है। छुआछूत और किसी ने नहीं मिटाई है। अगर छुआछूत मिटाने वाला कोई हुआ है हिंदुस्तान में तो पहले नंबर संत कबीर दास, कबीर साहब दास नहीं थे वो, कबीर साहब। और दूसरे नंबर पर अगर छुआछूत पर गौर की है तो संत शिरोमणि रविदास साहब, उन जैसा कोई संत नहीं। एक दिन वो जूता सिल रहे थे, 10-25 लोग एक साथ होकर के, और इलाहाबाद जा रहे थे। भैया बोले, बाबा जी रविदास जी बोले, कहाँ जा रहे भैया रो आप? बोले हम तो गंगा जी में स्नान करने जा रहे। बोले अच्छा, सो अपनी जो फट्टी बिछाए थी उनमें से एक को नोट निकालो, और एक जन से बोले कि भैया जब तुम गंगा जी में स्नान कर ले, हाँ हाँ भाव जा रहा होगी, जब स्नान कर ले सो एक हमारा रुपया गंगा जी खन चढ़ा दियो। बोले हाओ, सो एक जन ने वो रुपया ले लो, जाके गंगा जी में स्नान करे, और जैसे ही स्नान करे फुर्सत भाई पूजा चल रही, अगरबत्ती लगाई और घरे चलन लगी, सो याद आ गई यार रविदास जी ने एक रुपया दो तो वो चढ़ा दे दो हमें। सुबह निकालो रुपया थैला में से और गंगा जी में फेंक दो। ऐसो जैसे ही रुपया फेंको सो वहां से गंगा जी बाहर आ गई, प्रकट हो गई। गंगा जी प्रकट हो गई, बोले जी ने जो कंगन हमारे पास वो भेजो है रुपया एक को, वो कंगन ले जावे जो कंगन दे रहे हम। सुबह सामने जिनने रुपया फेंको तो पहुंच गए। सो गंगा जी बोली कि जो कंगन ले जाओ सोने को चमक रहा बढ़िया। बोली जो जी ने एक को नोट चढ़ाओ है उगे दे दियो, कि ये दे दियो रविदास जी से दे दियो जो नोट। तो वो ले तो आए रास्ता में, वो तो नोट वो चमक वे कंगन बढ़िया है, उनकी नियत खराब हो गई। बोले आए जो बाबा जी का खाते में पैसा हमने चढ़ाई जाए उनकी, और ऐसा ना करो कि राजा खा दे तो राजा हमारा प्रसन्न हो जाए, 10-20 एकड़ जमीन दे दे, इन्हें नहीं देने आए। सुबह को नोट तो गाओ गुदरू, वो सोने को कंगन राजा खा दिया। राजा ने सोची आया कि रानी खा दे दे, हमारी रानी प्रसन्न हो जाए, बढ़िया गदुल सी फूले फे। सो उनने रानी खा दे दो, रानी जिस आ गई बोली हमें तो एक ही जोड़ी लिया, नहीं तो हम फांसी लगा के माए जी। अब बिद गई बोले अब का कर जोड़ी कहाँ मिल सके, अब आई नहीं तो फांसी की सजा हो रही की। हाँ रानी खा, रानी ने कह दी कि अगर तुम सोने को कंगन नहीं ले आए तो हम फांसी लगा के मर जी। सो राजा ने वो आदमी खा पकड़ो, बोले अगर तुम ये कोई जोड़ी नहीं दे रहे तो तुम्हारी फांसी लगे सवेरे। हाँ वो आदमी की फांसी लगने की तैयारी हो गई। बचाओ बोलो कि मैं अपराधी काहे को हूँ। बोले तो एक ही जोड़ी मिला, जोड़ी लिया, ये गीत कह दो अच्छा हुई है तो जाने 5 बज गए, चलो एक जाइए बात तुम अच्छी की चीज सुन लो। तुम तो हजारों कलाकारों के प्रोग्राम नहीं करे, आखिरी बात सुन लो, ऐसी कौन ने सुनाई ना हुई है तुम्हें, सुनाई का हूं ना। जैसे वो आदमी का पकड़ो जा हो गई कि तुम्हारी कल हत्ती की दाद ले जाने, इसकी जोड़ी ले आओ। सबने पूछी के जो कहां से आओ कंगन, सो बताई के गंगा जी में से आओ। तो जो तो वो आदमी भगत गांव जाके रविदास जी के चरणों में गिर गए, और उन्हें पांव पड़े और बोले के साहब बंदगी कर रहे हम आपसे, हमारी प्रार्थना है। बोले का प्रार्थना है? बोले जोन रुपये आपने दाओ तो हमने गंगा जी में चढ़ा रहा था। बोले फिर अब बोले फिर हम बताए हमें सोने को कंगन दाओ तो बाबा जी खा दे दिए। बोले फिर कहाँ है वो? बोले हमने आपका कुंदा वो राजा खा दे दाओ तो। बोले फिर? बोले राजा ने अपनी रानी खा दे दाओ। बोले फिर? बोले रानी बोली कही की जोड़ी ले आओ, नहीं तो हम फांसी लगा के मरे जा रहे। बोले फिर? सो बोले वो राजा हमें पके फिर रहो के तुम्हारे ऊपर कल हत्ती की दान लगने। अरे बोले बेटा नहीं जाओ तुम, बैठो इतनी जैसे टेम आ गाओ वो ढूंढोगे चलो फांसी लगने हैं।
सुबह तो रविदास जी के चरणन में डरो तो वहां से राजा आ गए। जूता सिल रहे थे जवन जूता की खाल कठोटी में डरी थी फूल रही थी वही में बरासी डरी थी जवन से खाल काटी जा बाटरी थी वही में ओई में प्रार्थना कर ले जी में मचो पानी है तो खोबा भर अब बोले पांव पर के गंगा मैया सत्य की सांची हो तो सोने के कंगन की जोड़ी मिला दो हाथ डारो जैसे राजा ने सो वही में निकल जाओ सोने को दूसरों कंगन। राजा और रानी चरणों में गिर गए चरण धोकर पिए रविदास जी के ओ कहो कंगन से कंगन मिला गए अरे रविदास सिलवा दिखा दो कंगन से कंगन मिला गए रविदास सीना दिखा दो कंगन से कंगन मिला गए रविदास सीना दिखा गए कंगन से कंगन मिला गए रविदास सीना दिखा गए। राजा बोले अगर बाबा हो महाज्ञानी राजा बोले अगर बाबा हो वो महाज्ञानी तो कंगन की जोड़ी मिला दे की थानी अरे कंगन की जोड़ी मिला दे की थानी बोले राजा के इस कंगन की जोड़ी के लाने हमारी धर्मपत्नी रिसानी है रानी सो अगर आपकी कृपा हो जाए आप सच्चे संत हैं तो ये दिखाओ नहीं तो आपको भी कारागार में डारो जे। राजा बोले अगर संत हो महाज्ञानी तो कंगन की जोड़ी खा हर सी है रानी सो अरे कंगन की अरे कंगन की जोड़ी मिला गए रविदास लीला दिखा गए ऐसे भय है संत रविदास मन बसिया ऐसे भय है संत रविदास मन बसिया ओ कथा लिखी हल्की है प्यारे वारसिया अरे कथा लिखी कलम से प्यारे बारसिया सो श्याम से हम अरे श्याम से हम सीना में समा गए। एक बार रविदास जी से कुछ लोगों ने कहा कि आप भगवान की पूजा गलत है आप अहरवार हैं तो क्या भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो रविदास जी ने कहा कि भगवान किसी के नहीं है किसी जाति के नहीं होते हैं भगवान। बोले नहीं होते हैं तो हमें बताओ तो सीना फाड़ दो उनने सीना फाड़ो सो राधा कृष्ण राम सीता शंकर जी सीने में दिखा पड़े जैसे देखे सब पावन पे गिर गए रविदास जी काय से हम श्याम सीना में दिखा गए रविदास सलवा दिखा गए कंगन मिला गए रविदास लीला दिखा गए।
प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर उन्हें आप मानते हैं, अहिरवार परिवार के जितने लोग बैठे हैं, तो एक दो अगरबत्ती लेकर के सुबह नहाएं, संत श्रोमणि रविदास जी की घर में फोटो लगाएं, बाबा साहब की फोटो लगाएं, अगरबत्ती जरूर लगाएं, ये कहें सुमरे चलो दो बीरिया रे, कोई बीरिया हो सबकी लीला हे अपरमो पार रे, सुमरे चलो हो सुमरे चलो दोई बेरारे, दोई बेरारे रब की लीला, रब मतलब रविदास, रब मतलब भगवान, सुमरे चलो दोई बेरारे, कोई तेरा रे रब की लीला हे अपरमो पार रे, सुमर चलो बाबा साहब ज्ञानी तो भये रे, अरे ज्ञानी तो भये रे जिनकी भारत में हो रही जेने कार रे, जे बाबा साहब हो बाबा साहब, बाबा साहब भारत में भये रे, अरे भारत में भये रे जाहर कर गए जगत में नावो रे, दे बाबा साहब हो के भीम राव नामई है बड़ो रे, नामई है बड़ो रे जिनने कर दो हे भारत में कमाल रे, पर भीम राव हो बाबा है बड़े, बाबा है बड़े रे जिनने कर दो कमाल रे,
सुबह।